हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इसका मीनिंग देखेंगे इसका क्या मतलब है इसका डिस्टिंगशन देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर उस बेसिस पे जब हमें ये पता चल जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तो वी कैन स्टार्ट प्रिपेरिंग आर फाइनल अकाउंट तो लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका जो बेनिफिट है जिसका बेनिफिट आपको एक साल या एक साल से ज़्यादा मिलता है दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉट ड्यू मीन बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको ये बताना है जिस वो खर्चा अगर हम करेंगे तो हमें इसका जो बेनिफिट है वो एक साल से ज़्यादा साल के लिए मिलता है एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने बाइक खरीदा तो आप बाइक अभी ख़रीद रहे हो 2021 में तो इसका बेनिफिट बस 2021 में मिलेगा नो no. आपने स्पेंड तो किया है साठ हज़ार एक, एक लाख का समझो आपने बाइक खरीदा है तो एक लाख का बेनिफिट आपको ये साल नहीं आप जब तक उसको यूज़ करेंगे मे बी टेन ईयर फिफ्टीन ईयर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है जिसका बेनिफिट जो होता है वो जनरेट होता है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे राइट वन अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा का इसका बेनिफिट होता है सेम वे में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका जो बेनिफिट है वो एक ही अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है इसका बेनिफिट एक साल अगर अकाउंटिंग ईयर अभी समझने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो नो no प्रॉब्लम आप यही याद रखो एक साल से ज्यादा मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट होता है वो आपको एक ही अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है और मे बी समाइम वन मंथ फिफ्टीन डेज लाइक आपको इसका बेनिफिट मिलता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने बाइक खरीदा आपने क्या खरीदा बाइक खरीदा तो बाइक खरीदा दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन बाइक का आपने सर्विस कराया पता है ना बाइक का सर्विस होता है हर तीन महीने में कराते आप तो उसका बेनिफिट आपको क्या हर तीन तीन महीने में मिल रहा है मतलब आपको कराना पड़ रहा है पेट्रोल का खर्चा है पेट्रोल का खर्चा क्या आपने एक बार भर दिया तो पूरे साल पेट्रोल चलेगा नहीं आपको हर रोज भराना पड़ेगा मे बी दो दिन के बाद तीन दिन के बाद आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट विल जेनरेट एन एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है एसेट जेनरेट होता है ठीक है क्या जनरेट होता है एसेट और उस एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब बात समझ में आई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे एसेट क्रिएट होते हैं उससे क्या होता है एसेट तो बाइक आपके लिए क्या हो जाएगा एसेट घर खरीदा तो आपके लिए क्या हो गया वो एसेट एक साल के लिए थोड़ी यूज करोगे आप वो तो जब खरीद लिया तो पूरी लाइफ टाइम आप उसको यूज करोगे तो ये आपके लिए एसेट जनरेट होगा लेकिन जब बाइक खरीदा बाइक में छोटा मोटा खर्चा आएगा पेट्रोल का खर्चा आएगा तो बाइक को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है आई बात समझ में तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिससे एसेट क्रिएट होता है जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एसेट को मेंटेन करने के लिए होते हैं और वो एक साल में कई बार हो जाता है उसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर ही अंदर मिलेगा उसका बेनिफिट एक्सीड नहीं करता है आई बात समझ में यस और नो ठीक है न स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर अब आपको पता कोई भी खर्चा हो एक्सपेंडिचर वो किधर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब जाएगा इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग तो आप जब आप जब कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे तो पेट्रोल का खर्चा जब होगा तो दो दिन के बाद होगा तो दो दिन के बाद तभी आप उसको पीएनएल में लिखेंगे आई बात समझ में लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पी एन एल में नहीं जाता वो किधर जाता है वो किधर जाता है वो जाता है बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में सब एसेट लिखते हैं लेकिन इसको पी एन एल में कब ढकेलते हैं हम लोग तो पी एन एल में हम लोग इसको यह तब लिखेंगे जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो आपको पता है डिप्रीशिएशन आता है बिल्डिंग पे प्लांट पे मशीनरी पे तो वो सब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख सकते हो इन द ईयर ऑफ यूटिलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई बस समझ में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब आप रिपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो दिया है रिपेयर ऑफ ए सी यूज इन ऑफिस तो जब आपने ये खर्चा किया तब लिखो लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2021 में कर दिया और 2021 में आपने ऑफिस खरीद लिया लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हो आपने जब इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया तो वो साल में आप उसके ऊपर डिप्रीशिएशन चार्ज कर सकते हो आई बात समझ में यस और नो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू पी एन एल इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर इन द ईयर ऑफ यूटिलाइजेशन अब हम लोग को कहीं कहीं पे जब ये बाइफिकेशन करना पड़ता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तो बहुत थिन लाइन का डिफरेंस आता है ऐसा लगता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और ये रेवेन्यू भी हो सकता है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन पहला पॉइंट नेचर ऑफ एक्टिविटी अब जब आपको ये बाइफिकेशन करना है कि भाई वो फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैपिटल है कि रेवेन्यू है तो पहले फाइंड आउट करो उसकी एक्टिविटी का नेचर क्या है मतलब आप परचेज ऑफ बाइक बाय मिस्टर ए ए ने बाइक खरीदा तो उसके लिए तो वो पंद्रह साल में एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन ये किसने बेचा होंडा कंपनी तो होंडा ने सिर्फ मिस्टर ए को बेचा इसके बाद अब किसी को नहीं बेचेगा नो no. तो होंडा कंपनी तो बाइक रोज बेचेगा हजारों बेचेगा तो होंडा कंपनी के लिए ये एक्टिविटी जो होगी वो रेवेन्यू होगी लेकिन मिस्टर ए के लिए जो एक्टिविटी होगी वो कैपिटल होगी मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर होंडा के लिए नहीं क्यों बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो रिसिप्ट हो जाएगा लेकिन ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि परचेज ऑफ बाइक बाय मिस्टर ए इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन जो ये होंडा ने बेचा उसके लिए कैपिटल रिसिट नहीं है क्योंकि सेल कर रहे तो रिसिट होगा रिसिट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये जो होगा वो रेवेन्यू होगा रेवेन्यू रिसिट होगा आई बात समझ में येस और नो तो परचेज ऑफ बाइक बाय मिस्टर ए ये एक बार खरीदा पंद्रह साल के लिए छुट्टी तो ये जो एक्टिविटी होगी ये पंद्रह साल में दस साल में एक बार होगी तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन हॉन्डा कंपनी वो बेच रहा है तो उसके लिए वो रिसिट होगा तो उसके लिए वो कैपिटल रिसिट नहीं होगा उसके लिए वो रेवेन्यू रिसिट होगा समझ में आया पहला पॉइंट तो पहला ये देखने का कि एक्टिविटी का नेचर क्या है एक ही बार कर रहे हो लाइफ में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बार बार कर रहे हो रोज कर रहे हो तो वो रेवेन्यू में चला जाएगा आई बात समझ में तो ये एक्सपेंडिचर देख रहे हैं हम लोग रिसिप्ट भी देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट उसके अंदर भी यही सब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे ओके नेक्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर तो यहां से ही पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी कितने बार हाउ मेनी टाइम्स तो मिस्टर ए ने बाइक परचेस किया कितने बार एक बार तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है समझो मैं केले बेचता हूँ राइट right. बनाना बेचता हूँ तो बनाना मैं रोज़ खरीदूंगा रोज़ बेचूंगा तो रोज़ ख़रीदना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई बात समझ में तो कितने बार आप करते हो तो दस साल पंद्रह साल में एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर दो साल पाँच साल में एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज करते हो हर दस दिन में करते हो हर पाँच दिन में करते हो हर महीने करते हो तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो रेवेन्यू कहलाया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको कैपिटल कहते हैं आई बात समझ में नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट इन्वॉल्ड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते ए सी है पचास हज़ार का उसका रिपेयर किया आपने कितना थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड का कोई रिपेयर नहीं होता है रिपेयर हुआ होगा मैं मानता हूं थर्टी थाउजेंड का भी रिपेयर हुआ होगा तो मे भी हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट रिप्लेस किया होगा जिससे उसकी इफ़िशंसी बढ़ गई होगी तो ये थर्टी थाउजेंड आप रेवेन्यू में नहीं दिखा सकते आपको कैपिटल में ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व है राइट right, तो रेवेन्यू जो होता है वो छोटा मोटा खर्चा होता है कैपिटल जो होता है बड़ा तो अगर अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व है तो समझ जाना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अमाउंट इन्वॉल्ड इज स्मॉल दैट मींस इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट आता है तो अगर आपने जो खर्चा किया तो मैंने अभी बाइक खरीदा दो में तो मैं उसको दो में भी यूज़ करूँगा और जितने साल दस पंद्रह साल जितने साल उसको यूज़ करूंगा उसका मुझे इम्पैक्ट मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट मेरे को एक साल से ज़्यादा मिल रहा है तो अगर एक साल से ज़्यादा इम्पैक्ट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और अगर एक साल के अंदर ही है करंट ईयर में ही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पेट्रोल भराया मैंने तो पेट्रोल भराया तो पेट्रोल का खर्चे का इफेक्ट वो सिर्फ तीन चार दिन ही रहेगा आई बात समझ में तो अगर इफेक्ट एक्सपेंडिचर का इफेक्ट एक साल से ज्यादा का होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक साल का रहेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्लासिफाई द बिलो एक्टिविटीज इन टू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ठीक है फर्स्ट वन ओवर हाउलिंग द सेकेंड हैंड एसी ओवरहॉलिंग मतलब रेनोवेट करना मतलब एक एसी uh, है एसी है एसी सी दो तीन साल से बंद पड़ी है उसमें जंग पड़ गया है और उसको आप रेनोवेट कर रहे हो उसको अच्छे से बना रहे हो तो उसके जितने पार्ट्स निकाल के उसको आपने अच्छे से कर दिया और एसी को वर्किंग कंडीशन में लेके आ गए तो आप बता सकते हो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल आप ये ओवरहॉलिंग एक बार करोगे कि बार बार करोगे तो आप सेकेंड हैंड मशीनरी को सिर्फ एक बार करोगे उसके बाद वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी तो दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार वर्किंग कंडीशन में आने के बाद वो बार बार जो तीन तीन महीने में आप रिपेयर कराते हो मेंटेनेंस कराते हो दैट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई बात समझ में तो ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड ए सी इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट लीगल चार्जेस पेड टू परचेज़ द लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट बनाना उसके लीगल चार्जेस आप पे कर रहे हो अब मुझे यह बताओ यह लीगल चार्जेस आप हर महीने पे करोगे कि वन टाइम पे करोगे वन टाइम रहेगा ना जब परचेज करे वो टाइम पे खर्चा है उसके बाद इसका थोड़ी खर्चा है तो वन टाइम हो गया तो वन टाइम जो भी होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बार बार अगर जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कहना इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग बार बार होता है तो ये वाला जो पहला वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये वाला भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है थर्ड अमाउंट स्पेंड टू रिप्लेस एनी वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कोई पार्ट मशीन का ख़राब हो गया ठीक है कोई पार्ट मशीन का ख़राब हो गया कुछ भी खराब हो गया उसको आपने रिप्लेस किया तो अगर समझो मेरी बाइक है बाइक में कोई पार्ट मेरा ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस करूंगा अगर वो रिप्लेस नहीं करूंगा तो बाइक चलेगी क्या नहीं उसको रिप्लेस करूंगा तो नॉर्मल चलेगी बराबर है तो ये मुझे आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करना है तो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी आप बोलेंगे सर कि जब वो पार्ट आपने निकाला और उसकी जगह नया डाला तो वो डालने के बाद आप उसको एक दो साल तो यूज़ करोगे ना मैं बोलूँगा येस तो बोलेंगे ये तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है मैं बोला यस लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप कोई रिप्लेस करते हो पुराना पार्ट उसकी वजह से अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ जाए समझ रहे हो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए अभी जैसे ए है ए में कोई पार्ट खराब है तो ए बंद है ए की हवा नहीं आ रही है लेकिन वो पार्ट को आपने चेंज किया तो ए चलने लगी तो वो पार्ट को आपने चेंज किया तो नॉर्मल आप चला रहे हो तो चल रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसको तो वर्किंग कंडीशन में लेके आ गए ना आप हाँ अभी आपने वो ऐसा कुछ पार्ट डाला कि उसमें कूलिंग है ना एक मिनट में हो जाती है पहले कूलिंग होने में पंद्रह मिनट लगता था लेकिन आपने कुछ ऐसा पार्ट फिट किया जिसमें एक मिनट में कूलिंग हो जाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ऐसे ही कुछ रिपेयर्स का पार्ट आपने रिप्लेस किया दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन उसकी वजह से अगर मशीन का या कोई चीज की इफिशेंसी बढ़ जाती है उसकी मतलब काम करने की जो ताकत है वो इंक्रीज हो जाती है तो समझ जाना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आई बात समझ में यस और नो तो ये रेवेन्यू है नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑप्टेनिंग ए लाइसेंस टू रन अ फैमिली किचन मतलब रेस्टोरेंट और बार आपको रहता है जो रेस्टोरेंट रहता है वो उसको किचन भी बोलते हैं तो फैमिली किचन या फैमिली फैमिली होटल जो होता है उसको रन करने के लिए आपने लाइसेंस लिया अब आप बताओ लाइसेंस आप रोज लोगे या एक बार लोगे एक बार लेंगे तो इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये तो सिंपल ही था तो लाइसेंस लिया फैमिली किचन को ऑपरेट करने के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नेक्स्ट इज परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ पेन पेंसिल रबर ये आपने ख़रीदा पेपर तो ये आप क्या है एक ही बार करोगे लाइफ में वन टाइम करोगे कि बार बार करोगे तो इट इज़ बार बार इट स्टेशनरी आपको लगता ही है राइट right? तो इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईजी है नेक्स्ट परचेज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बैक ऑफिस बैक ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर ख़रीदा तो कंप्यूटर तो रोज़ नहीं खरीदोगे उसका बेनिफिट आपको पाँच से दस साल तक मिलेगा तो कंप्यूटर है वो एसेट क्रिएट हो जाएगा और एसेट क्रिएट हुआ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो कंप्यूटर सिस्टम वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ रही है बात नेक्स्ट पेमेंट ऑफ सैलरी सैलरी क्या है एक बार पे कर देते हो फिर पे करने की ज़रूरत नहीं है दस साल तक नहीं आपको मंथली मंथली पे करना पड़ेगा मंथली मंथली पे करना पड़ेगा तो दैट वुड बिकम योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई बस समझ में सेम वे में रेंट है मंथली रेंट आप पे करोगे तो सैलरी जैसा पे करते हो आप वैसे मंथली रेंट पे करते हो तो दैट वुड बिकम रेवेन्यू अगेन नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप एक मोटा मोटा हिसाब से डिस्टिक्शन लाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वन टाइम होता है नॉट लाइफ टाइम इट इज़ वन टाइम उसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा के मिलता है उसमें एसेट क्रिएट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बार बार होता है और इसमें एसेट क्रिएट नहीं होता है और बाकी जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो आप इस वीडियो को बार बार रेफ़र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे दिया है जिसकी वजह से आपको ग्रिप आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तो आप इसको प्रॉपरली रेफर करो कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू